हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। तो जो हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच के ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग की जो क्लासेस रह गई थी संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर आप लोग इसको पॉलिटी के नाम से भी जानते होंगे, तो हमारी जो एडवांस की क्लासेस चल रही थी वो 1 से लेकर के 19 क्लासेस हमने कवर कर ली थी। फिर मुझे टाइफाइड हो गया था, तबीयत काफी खराब हो गई थी मेरी, जिस वजह से आप लोग क्लासेस नहीं ले पाए थे। क्लासेस कुछ दिनों के लिए ऑफ हो गई थी और हमारी जो स्ट्रेटजी चल रही थी उसको हमने चेंज नहीं किया था। इस वजह से आप लोगों की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी गई थी और कुछ क्लासेस आपकी संविधान की रह गई हैं। तो मैंने आपसे बोला था वहां पर कि हम अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन नहीं करेंगे और जो क्लासेस आपकी संविधान की रह गई हैं वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो ये सारी वीडियोस हैं, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। आप लोगों की जो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो शाम को हमारी ऐप के ऊपर क्लासेस चलती है वो वैसे ही चलेगी 7 से 9। ये एक्स्ट्रा क्लासेस है, कभी भी आप लोग आकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। तो इसे जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है हमारे प्रोग्राम में, तो वो लोग भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो संविधान वाली है ये वाली क्लासेस देख सकते हैं। और ये क्लासेस हैं पीटी और मेंस दोनों के लिए देखने को मिलेंगी और ये थोड़ी एडवांस है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जो हमारे नए स्टूडेंट है अचीवर बैच में, जो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वे लोग इस वीडियो को ना देखें, अगर देखें तो ऐसे देखें कि हाँ नॉर्मली, क्योंकि अभी लोग आप लोगों का हमने बेसिक कवर नहीं कराया है। तो बहुत सी चीजें है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज रहे और सोचेंगे कि यार संविधान का इतना कठिन है नहीं। जैसे आपको जो ज्योग्राफी है उसमें मजा आ रहा है ना, ओके, हलवा की तरह पढ़ाई जा रही है, वैसे ही आपको संविधान भी एकदम हलवा की तरह लगेगा, बहुत ही मजा आएगा उसमें जब आपको एनसीईआरटी से लेकर के एडवांस तक ले जाएंगे। ओके, तो जो लोग हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं 99 रुपए प्रति मंथ की दर से। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ दिया जाता है। सिर्फ 99 रुपए में आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। और आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहाँ पर आप लोग मोटिवेट रहेंगे, आपके जैसे सारे स्टूडेंट है और आपकी लाइव क्लासेस है वो हमारी ऐप के ऊपर चलती है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो ये सेशन आपको देखने को मिलेगा, ये सेशन आपको क्लास नंबर 20 है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, प्रस्तावना से स्टार्ट करके और उपराष्ट्रपति तक आपको पढ़ा दिया है। और ये पीटी और मेंस दोनों के लिए क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो हम लोग संविधान में पार्ट नंबर 20 यानी कि आप लोग इसे क्लास नंबर 20 भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्रियों के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम मेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पीटी मेंस दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग यूपी स्पेशल या यानी कि किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं या फिर आईएएस की स्पेशल तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इतने सारे आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ओके, तो इनके आप लोग चेहरा देख करके, मैंने वैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी भी पिक थी जिसमें नाम भी लिखे हुए थे, लेकिन वो वाली पिक मैंने नहीं लगाई है जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोस्ट पावरफुल इंसानों में से प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो ये प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्रियों को आप चेहरा देख करके पहचान सकते हैं, इसी वजह से हमने इसमें नाम नहीं लिखा है। आप लोग बताइए इन प्रधानमंत्रियों में कितनों को आप जानते हैं, कितनों के नाम जानते हैं, कितने की शक्ल देख करके आप पहचान सकते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और आज आपको समझ में आएगा कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, शक्तियां क्या होती हैं, सब कुछ A to Z आपको बताएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर बहुत कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर आईएएस बाबर की मैगजीन भी स्टार्ट होने वाली है और आपको डेली एमसीक्यूज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे चैनल पर डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टास्क बताया जाता है, यानी कि डेली आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है। इस तरह से आपको टास्क दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपको कौन सी एनसीईआरटी आज पढ़नी है और उस एनसीईआरटी के कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और साथ में आपको डेली मैपिंग लोकेशन भी दी जाती है। ये आपको सुबह डेली सुबह 8 बजे 8 AM पर शॉर्ट वीडियो के थ्रू, किसके थ्रू, शॉर्ट वीडियो जो होती हैं, आप हमारी शॉर्ट वीडियो चेक करिए जाकर के, तो शॉर्ट वीडियोस में आपको ये मिल जाएगी। तो डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो मिल जाती है हमारे चैनल पर जिसमें बताया जाता है इस तरह से लोकेशन, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और शॉर्ट में बोलते हैं पीएम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग आज देखेंगे प्रधानमंत्री हैं, इनकी योग्यताएं क्या क्या हैं,
मतलब एक प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री भारत में एक ऐसा पद है, क्योंकि भारत में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है, भारत में आपको संसदीय लोकतंत्र देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, मतलब मोस्ट पावरफुल इंसान आपको राजनीति में जो देखने को मिलेगा वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से ही हम लोग सारी उम्मीदें रखते हैं। ये क्या होता है, वास्तविक प्रमुख देखने को मिलेगा भाई, क्या देखने को मिलेगा, वास्तविक प्रमुख। ओके, क्या देखने को मिलेगा, वास्तविक प्रमुख है। इसीलिए तो जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जैसे किसी की अगर दाल भी नहीं पकती ना, वो दाल पकाता है, उसकी दाल कच्ची रह जाती है ना, तो किसको गालियां देता है, वो प्रधानमंत्री गालियां देता है, मोदी जी को गालियां देने लगेगा। किसी की यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो डायरेक्ट किसको गाली देता है, वो मोदी जी को गाली देता है। किसी के यहाँ अगर कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, किसी की अगर नाली साफ नहीं हुई है, उसके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वो किसको गाली देगा, डायरेक्ट देगा मोदी जी को। ओके, लेकिन कभी आपने सुना है वो राष्ट्रपति को गाली देता है, राष्ट्रपति को गाली कोई क्यों नहीं देता है, क्योंकि हमारी उम्मीदें किससे हैं, प्रधानमंत्री से हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख मान आपको देखने को मिलेगा, हमारे राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री हाथ में। इसीलिए अगर ट्रेन में कूड़ा भी पड़ा हुआ होता है तो हम किसको गालियां देते हैं, हम गालियां देते हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हर जगह का कूड़ा है वो प्रधानमंत्री आकर के नहीं उठाएंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है हम कूड़ा ना फैलाएं, और अगर कूड़ा हमें कहीं देखने को मिले तो हम उसे ठीक से डालें। ओके, और जो संसाधन है उनका दुरुपयोग कम से कम करें, वो तो एक अलग मैटर है। ज्योग्राफी में आपको संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग बताए थे, लेकिन चलिए हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री के बारे में हम आप यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं, नंबर एक हम देखेंगे नियुक्ति और योग्यताओं के बारे में, कि योग्यता क्या होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री बनने की, आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा हम इसी में योग्यता के साथ में ही इसमें नियुक्ति के बारे में भी देख लेंगे। ओके, और दूसरा हम देखेंगे कार्यकाल, क्या देखेंगे, कार्यकाल के बारे में देखेंगे। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी, हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में देखेंगे। शक्तियों के बाद हम लोग देखेंगे इनकी स्थिति के बारे में, कि भारत में प्रधानमंत्री की कैसी स्थिति है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न, ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न, एक मेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, और पीटी के तो यहाँ पर ही रास्ते में पढ़ाते हुए चलेंगे, और लास्ट में आपको मेंस की भी आंसर राइटिंग किस तरह से की जाती है वो आपको बताएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में सक्षम होंगे, तो इसकी हम फ्रेमिंग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, अगर हम आपको बताएं, देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा कि संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। ओके, संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है भारत में, किस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, संसदीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलेगी। और आप लोग जानते हैं संसदीय लोकतंत्र में दो प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रमुख होता है देश का प्रमुख, ओके, और दूसरा प्रमुख आपको देखने को मिलेगा सरकार का प्रमुख, मतलब सरकार का कौन प्रमुख होता है। तो अगर हम देश के प्रमुख की बात करें तो देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो जो राष्ट्रपति है वो क्या है, हमारे राज्य के प्रमुख है, मतलब हमारे देश के प्रमुख है, हमारे राष्ट्र के प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश के प्रमुख हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, तो सरकार के जो प्रमुख कौन है, तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री। इसीलिए अगर कुछ भी हो जाता है, आज आपके बीबी ने कपड़े नहीं धुले तो किसको गालियां देना है, मोदी जी को गालियां देना है। ओके, और किसी को नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गालियां देना है। तो आप लोग समझ गए ना कि कहीं भी कोई भी बात होती है तो हम लोग डायरेक्ट किसको ब्लेम करते हैं, प्रधानमंत्री। कभी रामनाथ गोविंद को सुना है कि रामनाथ गोविंद कोई यहाँ पर ब्लेम कर रहा है कि आज 24 घंटे लाइट नहीं आती भाई, 18 घंटे ही लाइट आती है, 4 घंटे लाइट कट जाती है, इसमें किसका हाथ है, इसमें रामनाथ गोविंद का हाथ है। तो हमारे जो माननीय रामनाथ गोविंद जी हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ डायरेक्ट किसको बोलता है, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले योग्यताओं के बारे में, कि आखिर आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग हैं,
वो राजनीति से खफा खफा भी रहते होंगे, कुछ लोगों से बहुत लगाव होता है लेकिन यहाँ से राजनीति से कुछ लोग खफा खफा रहते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं फिर भी इतना पावरफुल पद है आखिर आप लोग बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हम योग्यताओं पर आते हैं फिर हम देखेंगे नियुक्ति के ऊपर। तो देखिए अगर हम प्रधानमंत्री पद की बात करें तो हमारे संविधान में एक विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है, कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इनका चुनाव होना कैसे, वो कुछ नहीं बताया गया भाई जद्दा। बस एक छोटी सी लाइन के अंतर्गत बता दिया गया है वो हम लोग देखेंगे और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो शक्तियां हैं उनका भी ठीक से विस्तारित यहाँ पर वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति का आपको बहुत बड़ा सेक्शन दिया रखा है हमारे संविधान में लेकिन आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है हमारे संविधान में। और इनके वेतन भत्तों से रिलेटेड भी संविधान में बोला कि नहीं नहीं भाई संसद जो चाहे वो कर ले। ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री की सबसे पहले हम लोग देखते हैं योग्यता। ओके अब आप लोग कमर कस लीजिए और आज आपको पता चल जाएगा कि आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो देखिए नंबर एक, अगर आप लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोस्ट पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, नंबर एक आपके अंदर कौन सी योग्यता होना चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप सांसद हो, सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखते हो, या क्या हो, सांसद बनने की योग्यता रखते हो, रखते हो तो आप क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी कि सांसद, सांसद का मतलब क्या है भाई, जो संसद का सदस्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा, हमारी केंद्र की संसद कौन है, लोकसभा और राज्यसभा आपको देखने को मिलेगी, तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के अगर आप सदस्य हैं या फिर उसके सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, अभी सदस्य नहीं है सिर्फ योग्यता रखते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। बस दिल में तो थोड़ी सी खुशी हो गई होगी लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर आप सांसद के लिए बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो देखिए अभी आपको लोकसभा राज्यसभा नहीं पढ़ाए हैं, 2-3 दिनों के बाद लेक्चर आएगा तब आपको समझ में आएगा। तो सांसद बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, सांसद बनने के लिए जो योग्यताएं होंगी वही योग्यताएं होंगी किसके लिए होनी चाहिए, वही योग्यताएं प्रधानमंत्री के लिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 30 साल की आयु पूरी कर लेनी होती है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 25 साल की आयु पूरी कर लेनी होती है, साथ में आपके ऊपर केस वेस ना चल रहा हो भाई, ओके ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आखिर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि अरे मैं तैयारी करते करते यूपीएससी की तैयारी करते करते मेरी एज तो 25+ हो गई है, तो 25+ हो गई लेकिन मैं सांसद नहीं हूँ तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। तो आपके दिल में क्या होगी, थोड़ी सी आस जग गई, बोले कि अरे मैं बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, सर ने तो बता दिया भाई योग्यता रखते हैं तो मैं भारत का नागरिक भी हूँ, मेरी एज है वो 25+ हो गई, यानी कि मैं एटलीस्ट लोकसभा में मेंबर बनने के काबिल तो बन गया है, अभी आईएएस बना नहीं बना वो तो एक अलग मैटर है लेकिन मैं कम से कम सांसद बनने के योग्य हो गया तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। तो यह आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, निश्चित तौर पर बन सकते हैं, लेकिन आपको आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 6 माह के अंदर आपको सांसद बनना पड़ेगा। अभी हम लोग इसकी में बहुत विस्तारित में बात करेंगे, ओके थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। तो देखिए ये जो ये व्यवस्था है योग्यता रखते हैं, इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने आपको एक व्यवस्था दी थी, मतलब ये बताया था, इसके बारे में वर्णन किया था, ये कब किया था 1997 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसद नहीं है और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक जजमेंट में बोला था, आपको देखने को मिलेगा कि 6 माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, मतलब उसे क्या बनना पड़ेगा भाई, सांसद बनना पड़ेगा। अगर वो सांसद बन जाता है तो वो प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा, अगर वो 6 माह के भीतर सांसद नहीं बन पाता है तो वो फिर प्रधानमंत्री नहीं रह सकता भाई, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दूसरा कि हम वो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए
उसे लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त पार्टी होती है उसका नेता होना चाहिए। वही नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ओके, तो लोकसभा में उसे क्या प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नियुक्ति की बात, और इसमें ही आप लोग साविस्तार में बहुत सारी चीजें समझने वाले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियुक्ति की बात। ओके, नियुक्ति कौन करेगा भाई? नियुक्ति कौन करेगा? तो देखिए, इसके बारे में ज्यादा विस्तारित से वर्णन नहीं किया गया है हमारे संविधान में। बस एक आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कि आर्टिकल 75 हमारे संविधान में इससे संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो आर्टिकल जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद बोलते हैं। तो अनुच्छेद 75 के तहत, देखिए आर्टिकल 75 है बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, मतलब पीएम की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, यानी कि राष्ट्रपति है वो किसी की भी नियुक्ति कर सकता है, जिसका मन करे उसको उठा करके प्रधानमंत्री बना सकता है। ना 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 भाई, ऐसा नहीं कि किसी को मन चाहा उसको उठा करके प्रधानमंत्री बना दिया। ओके, तो किसको बना सकता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वो किसको नियुक्त कर सकता है? यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, निश्चित तौर पर आप लोग कर देंगे, लेकिन राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा, उसी को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में, ऐसे व्यक्ति को जिसे लोकसभा में, जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का, बहुमत प्राप्त पार्टी का जो नेता होगा। ओके, जो भी नेता होगा, कौन नेता हुआ? जिसके लिए बहुमत। अब आप सोच रहे होंगे जो नए स्टूडेंट हैं, हम इसीलिए बोले थे अचीवर बैच के स्टूडेंट हैं वो उसको देखें तो ओपन माइंड से देखें, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे अब ये बहुमत कहाँ से आ गया, ये बहुमत कौन सी बल आ गई। तो बहुमत आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग पहली ही वीडियो देखेंगे तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया है कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में भी 3 प्रकार होते हैं। ओके, तो बहुमत, और वहां पर हम बहुमत समझाए भी थे आप लोगों के लिए। ओके, तो बहुमत का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? आधे से अधिक वोट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या चीज है यहाँ पर, इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति है, मतलब ऐसी पार्टी, जैसे मानते हैं लोकसभा के अंदर, जैसे मानते हैं ये लोकसभा है। ओके, लोकसभा के अंदर ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी है, मतलब 4 पार्टी हैं। ओके, वैसे तो बहुत सारी पार्टी होती है, हम मान लेते हैं, बहुत आप लोगों ने माना होगा। ओके, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मान लेते हैं, तो यहाँ पर मानते हैं 4 पार्टी है। अब मानते हैं 4 पार्टी में से पार्टी नंबर जो बी है इसको बहुमत प्राप्त है, इसको बहुमत प्राप्त है। तो इस पार्टी का जो भी लीडर होगा, जो भी नेता होगा, उसी नेता को राष्ट्रपति क्या कर देंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। कोई भी दो राय नहीं है इसमें। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या अपनी स्वविवेक से भी किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो जरूर, यस। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन सी स्वविवेक की शक्तियां होती हैं और वो स्थितियां कब उत्पन्न होंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं, फिर इसी पर बता देते हैं। इस पर तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर ही खिसकने वाला है, बहुत ढीर टाइप का ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हम बात करते हैं कि स्वविवेक से, स्वविवेक की शक्ति से किस प्रकार से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है और ये स्थिति कब कब उत्पन्न होती है। तो देखिए नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, किस नेता को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री रूप में? ऐसी पार्टी के नेता को किया जाता है जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो।
लेकिन अगर सोचो किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमति प्राप्त ना हो तब क्या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जो आपको देखने को मिलेगी स्थिति वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी स्वविवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, ऐसी पार्टी के नेता को वो नियुक्त करते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि ये पार्टी सबसे बड़ी है लोकसभा में। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए स्वविवेक का उपयोग कब करते हैं, जब लोकसभा, शॉर्ट में LS मतलब लोकसभा। ओके, तो आप लोग जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे, लेकिन नए हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं इसीलिए। तो देखिए लोकसभा में जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, ओके, जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करते हुए उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसको PM नियुक्त करता है, जिसे लगता है कि जो पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी है, उसे लगता है कि जो पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी है, क्या है, सबसे बड़ी है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति क्या कभी उत्पन्न हुई होगी, तो देखिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब जनता पार्टी की सरकार, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ ही सालों में जनता पार्टी की सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार थी उसका पतन हो गया था, वो गिर गई थी, तो संजीवन रेड्डी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो 1979 में वहां पर आपको देखने को मिलेगा गठबंधन की सरकार बनाई गई थी, और गठबंधन की सरकार के अंतर्गत संजीवन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था। तो देखिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हुई थी आपको देखने को मिलेगा, प्रथम बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी 1979 में। तो 1979 में आपको इस समय देखने को मिलेंगे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, इस समय कौन राष्ट्रपति थे, इस समय जो राष्ट्रपति थे वो संजीवन रेड्डी थे, संजीवन रेड्डी जी थे हमारे। तो संजीवन रेड्डी ने, तो इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि जनता पार्टी की सरकार चल रही थी लेकिन वो पतन हो गई थी 1979 में, उसका पतन हो गया था, गवर्नमेंट गिर गई थी। और इस समय गवर्नमेंट किसकी थी, इस समय आपको देखने को मिलेगा कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। ओके, ये पार्टी क्या हो गई भाई, गिर गई। अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई भाई, जब ये सरकार गिर गई तो अब किसी के पास बहुमत नहीं था, लोकसभा में किसी के पास बहुमत नहीं था। तो यहाँ पर संजीवन रेड्डी ने अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चरण सिंह को प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त किया, चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और ये चरण सिंह कौन थे, एक गठबंधन की सरकार से बने थे। ओके, गठबंधन की सरकार से बने थे। ओके, लेकिन ये किधर चला गया, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि क्या अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो व्यक्ति कितने दिनों तक आखिर रह सकता है यहाँ पर। तो आपको देखने को मिलेगा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो 1 माह के भीतर, लिख लीजिए के नोट करके, कहीं पर हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, 1 माह के भीतर। ओके, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर जो प्रधानमंत्री होता है उसे विश्वास दिखाना पड़ता है कि हमें इस लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। ओके, तो ये सिद्ध करना पड़ता है वहां पर, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, प्रस्ताव पारित करके ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो पहली कंडीशन तो हम देख लिए भाई कि अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तो यहाँ पर राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति उपयोग करता है, और कब किया, 1979 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर उपयोग की गई। तो जब आपको देखने को मिलेगा जब एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है, बहुमत की सरकार नहीं होती है, तो यहाँ पर कई सारी पार्टियां होती हैं
वो दावा करने लगती हैं, वो दावा करने लगती है कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है। तो राष्ट्रपति के पास बड़ी ये समस्या आ जाती है कि यहाँ पर चार पार्टियां कह रही हैं हमारे पास बहुमत है, तो हम किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करें। तो ये बड़ी समस्या आ जाती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है वो उन चार पार्टियों की बात सुनेगा लेकिन निर्णय अपने अनुसार देगा। वो कहेगा इस पार्टी के पास में बहुमत है, तो उसी पार्टी का जो नेता होगा उसी को क्या बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन कब उत्पन्न होती है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो दूसरी स्थिति कब उत्पन्न होगी, दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी अगर किसी प्रधानमंत्री की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए। अब वो अपने पद पर है, अब मृत्यु हो गई तो यानी कि प्रधानमंत्री तो मर गए, टपक गए, तो वहां पर अब कौन आएगा प्रधानमंत्री। तो देखिए पहले तो व्यवस्था इंदिरा गांधी से पहले आपको देखने को मिलेगी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी, लेकिन आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद आपको देखने को मिलेगा कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी उसको हटाकर ओके डायरेक्ट यहाँ पर राजीव गांधी को बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं ये स्थिति जो उत्पन्न हुई थी। तो दूसरी कंडीशन ओके दूसरी कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, अपने पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है मतलब नियुक्ति कर सकता है। तो देखिए ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इससे पहले जब इंदिरा गांधी की मृत्यु से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री का व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर 19 ये व्यवस्था ये कब हुई थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, मतलब कंडीशन आई थी 1984 में, जब आपको देखने को मिलेगा 1984 में, जब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंदिरा गांधी हैं, इनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो इनकी मृत्यु हो गई तो ये अवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर इस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति आपको ज्ञानी जैल सिंह आपको देखने को मिलेंगे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इन्होंने राजीव गांधी को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखिए यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की व्यवस्था कब आई थी तो आपको बता देते हैं, कार्यवाहक यहाँ पर देखिए नोट करके आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। देखिए जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था थी ये देखिए आपको व्यवहार में देखने को मिलेगी, चली आ रही थी, मतलब एक परंपरा के रूप में चली आ रही थी। जब हमारे आपको देखने को मिलेगा नेहरू जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद ये नेहरू जी की मृत्यु के बाद आपको देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो मंत्री वरिष्ठतम होता था, यानी कि जो आपको मंत्रिपरिषद देखने को मिलेगी उसमें जो भी वरिष्ठतम होता था मतलब सबसे सीनियर होता था, मंत्री मिनिस्टर होता था, उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब तक रहता था, ये तब तक रहता था जब तक पार्टी अपना एक नेता घोषित ना कर दे। पार्टी जब बता देगी ये हमारा लीडर है तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जगह जो पूर्व प्रधानमंत्री होता है वो आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था थी इसको लागू नहीं किया, बल्कि राजीव गांधी को डायरेक्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर किस जो राजीव गांधी को जो जब नियुक्त किया गया तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वविवेक की शक्ति का डायरेक्ट उपयोग किया था, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, इसके बारे में कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री है इनका कार्यकाल भाई कितना है।
तो अगर हम कार्यकाल की बात करें तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इनका जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा के विश्वास पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो काफी महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, वो महत्वपूर्ण आर्टिकल आप लोगों के लिए बता देते हैं, फिर हम लोग शक्तियों के ऊपर चलेंगे। तो देखिए नंबर वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नंबर वन यहाँ पर आर्टिकल 74, ठीक है। आर्टिकल 74 है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो सलाह है, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। ओके, और इस मंत्री परिषद का जो नेता होगा वो कौन होगा? पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप लोगों के लिए ध्यान रखेंगे। ओके, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर पीएम की बात आ गई, इसके अलावा एक आर्टिकल 75 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। चलिए आर्टिकल 75 है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए। तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 का एक तो पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो आर्टिकल 75 में आप लोगों के लिए, आर्टिकल 75 में आप लोगों के लिए इसमें का एक पॉइंट दिया रखा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और प्लस देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्लस यही जो राष्ट्रपति हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करेगा, यानी कि जो मंत्री परिषद होती है तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री यहाँ पर बताएगा कि भाई इस व्यक्ति को क्या रखना है, मंत्री परिषद के अंदर रखना है, तो इसको जा करके शपथ दिला दो। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करेगा, की भी नियुक्ति करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है किसकी सलाह पर, तो दूसरे कलर से लिख देते हैं जिससे आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ये मंत्री परिषद है, ये किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ओके, तो ये चीज आप लोगों के ध्यान रखनी है, बहुत ही विशेष बात है। ओके, इसके अलावा इसी का दूसरा पॉइंट है, वो भी काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। इसमें दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, खा पॉइंट है वो, कहा जाता है कि 75 का खा है, वो कहता है कि मंत्री है, मंत्री जो भी मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ओके, पद पर बने रहेंगे या फिर पद धारण करेंगे। ओके, और इसी का आपको गा देखने को मिलेगा जो कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा में सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। ओके, उत्तरदायी होगी। तो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, आप लोग वहां पर ही लिखिएगा। ओके, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी या फिर उत्तरदायी होगी। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण है। ओके, इसके अलावा आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 78। ये भी आपको थोड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा क्योंकि आर्टिकल 71 है वो बताता है
प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। आर्टिकल 78 है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है। ओके, और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य इसके अंतर्गत बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री है वो सभी जानकारियां राष्ट्रपति के लिए देगा, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उन डिसीजन के बारे में राष्ट्रपति को बताएगा। प्रशासन से संबंधित जो भी विधायिका जो भी चल रहा है प्रशासन में, तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में जो चल रहा है, वो सभी जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है तो यहाँ पर वो सलाह देगा। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण ये आर्टिकल हो जाता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देता रहे। ओके, और जो भी वो कार्य कर रहा है भाई मंत्रिपरिषद में, वो भी बताना अनिवार्य है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं करता है, तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्ति का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री को ऐसा कह सकता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, इसकी जानकारी हमको दीजिए, तो उसको जानकारी मुहैया करानी पड़ेगी। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण है। ओके, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो हम पहले भी बता चुके हैं, मतलब संसदीय लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? वास्तविक प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं इनकी शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो शक्तियां आपको बहुत महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगी, तो शक्तियों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, और आप लोगों के लिए बताना है कि अभी तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीएम रह चुके थे और सीएम के बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने, आप लोगों के लिए बताना है, काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। ओके, कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी में तो ये नहीं आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा। ओके, इनकी शक्तियों के बारे में देखते हैं। ओके, तो शक्तियों की अगर हम लोग बात करें, ओके, अगर हम लोग इनकी शक्तियों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि नंबर एक, जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री मतलब पीएम होता है, ये मंत्री परिषद के जो जीवन कौमा मरण व निर्माण का केंद्र होता है, निर्माण का केंद्र होता है। ओके, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ, अगर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अगर अपना त्याग पत्र दे दे तो ये पूरी मंत्रिपरिषद है क्या भंग हो जाएगी। अब जब प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति की जाती है, उसी समय आपको देखने को मिलेगा मंत्रिपरिषद भी अस्तित्व में आती है। तो अगर प्रधानमंत्री नहीं तो मंत्रिपरिषद भी नहीं। अगर प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो जाए तो क्या करेगा? करेगा कि हम अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र देगा तो मंत्रिपरिषद की ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत ये आता है कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही आपको देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसकी जो भी मंत्री हैं तो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पर एक काफी पावरफुल इंसान आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऊपर कई सीमाएं भी हैं, वो अभी हम सीमाओं की भी बात करेंगे, आप लोगों के लिए बता देंगे। ओके, तो परेशान नहीं होना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों के बीच मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा भी करता है। प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों के बीच बंटवारा करता है। बंटवारा किसके बीच करता है? मंत्रालयों कि किसके पास कौन कौन सा मंत्रालय होगा, तो मंत्रालयों के बीच, और साथ में आपको देखने को मिलेगा विभागों के बीच। ओके, कि भैया शिक्षा विभाग है, किसके पास रहेगा? शिक्षा मंत्रालय। किसके पास रहेगा? महिला बाल मंत्रालय, वो किसके पास रहेगा? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। रेल मंत्रालय किसके पास रहेगा? तो मंत्रालय जो मिनिस्ट्री होती है उनके अगर वितरण की बात आए, बंटवारे की बात आए, किस मंत्री के पास? देखिए सब लोग होते हैं अच्छे, जैसे गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय किसके पास होगा?
तो एक और डिसाइड करता है, लेकिन गृह मंत्रालय समानता नहीं बांटा जाता है, वो सबसे पावरफुल जो दूसरा व्यक्ति सबसे पावरफुल होता है जो पार्टी में वही होता है। जैसे हमारे यहाँ कौन देखने को मिलेंगे, तो हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं, जैसे आपको राजनाथ सिंह आपको देखने को मिलेंगे, अमित शाह देखने को मिलेंगे, काफी पावरफुल है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गृह मंत्रालय दिए जाएंगे, ऐसा नहीं किसी को भी उठा करके दे दिया जाएगा गृह मंत्रालय, नहीं, जो पावरफुल इंसान होते हैं उन्हीं लोगों के लिए गृह मंत्रालय दिए जाते हैं। जो मेन मेन मंत्रालय होते हैं वो एकदम मेन मेन लोगों के पास ही होते हैं, फिर उससे कम वैल्यू के होते हैं तो वो उससे कम ऐसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बंटवारे में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसी तरह से चौथा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम निर्धारित करता है, मंत्रियों का श्रेणी क्रम, ओके, श्रेणी क्रम है इसे निर्धारित करता है, ओके। इसके अलावा अगर हम इनकी महत्वपूर्ण शक्तियों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, अगर पीएम की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु या फिर त्याग पत्र देने पर पूरी जो मंत्री परिषद है वही समाप्त हो जाती है। मंत्री परिषद है वही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की जो सभी शक्तियां होती, जितनी भी आपको लगभग में देखने को मिलेंगी, सभी शक्तियों का उपयोग वास्तव में कौन करता है, वास्तव में प्रधानमंत्री ही करता है, प्रधानमंत्री करता है, ओके। तो वास्तव में कहने के लिए राष्ट्रपति के नाम पर पूरे देश का शासन चलाया जाता है, ओके। हर जगह हस्ताक्षर कर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन वास्तव में कौन रूल करता है, वास्तव में शासन कौन करता है, वास्तव में राष्ट्रपति की शक्ति को उपयोग कौन करता है, वास्तव में जो शक्ति को उपयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोले मंत्री परिषद करती है, ओके। मंत्री परिषद क्या है, अगर उसमें प्रधानमंत्री है, अगर वो पावरफुल है तो समझ लीजिए मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के अनुकूल चलेगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की स्थिति वो अगर कमजोर है तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर मंत्री परिषद थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं कि शासन है वो केंद्रीकृत होगा कि नहीं होगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री है, सातवां पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री है वो जिस हाउस का, मतलब जिस सदन का सदस्य होता है जिस सदन का सदस्य होता है वो उस सदन का नेता कहलाता है, उस सदन का नेता कहलाता है, मतलब नेता होता है, ओके। और दूसरे सदन में, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री है वो अगर लोकसभा से है, ओके, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का वो नेता माना जाएगा, लेकिन दूसरे सदन जैसे राज्यसभा में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, किसको नियुक्त करता है, अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, तो वो वहां पर प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरे सदन में। और जैसे अगर प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का वो नेता माना जाएगा और लोकसभा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ओके। और आपको बताना है जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से हैं या राज्यसभा से, तो सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ओके। और प्लस आपको देखने को मिलेगा वह दूसरे सदन में या फिर दूसरे हाउस में, सदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, दूसरे सदन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, ओके, प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करता है वहां पर, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आते हैं आठवें पॉइंट पे। तो देखिए ये आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया जा सकता है जो लोकसभा का सदस्य, नहीं, राज्यसभा का भी सदस्य होगा तब भी उसको नियुक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए आपको बता देते हैं, वैसे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्यसभा से अभी तक, राज्यसभा से जो कुछ आपको बताते हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, राज्यसभा के जो सदस्य थे,
सदस्य थे, और वो क्या बने, प्रधानमंत्री बने, और वो क्या बने, प्रधानमंत्री मतलब पीएम नियुक्त किए गए। तो इसमें आपको एक देखने को मिलेंगी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो आपको देखने को मिलेंगी राज्यसभा के सदस्य थी लेकिन वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा देवगौड़ा। ओके, जो जो देवगौड़ा थे ये जब ए 1996 में ए बने थे प्रधानमंत्री, तो ये भी कहाँ से थे, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह दो बार बने थे, 2004 में और 2009, दोनों बार वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। ये 2004 में प्लस 2009 में ये प्रधानमंत्री बने, तो दोनों बार ये कहाँ के सदस्य थे, राज्यसभा के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तो अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश से अगर तुलना करें तो ब्रिटिश से तुलना आ सकती है। तो अगर हम ब्रिटिश से तुलना करें, ब्रिटेन से तुलना करें, तो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन का, लोअर हाउस का ही मेंबर हो सकता है। जैसे कि अगर ब्रिटेन जैसी व्यवस्था सेम होती हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ सिर्फ लोकसभा, यानी कि लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, या फिर इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है लोकसभा को। ओके, तो उसी का सिर्फ क्या बन सकता था, प्रधानमंत्री बन सकता था। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में देखने को मिलेगी, लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। भारत में संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी का भी। लेकिन ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा जो लोअर हाउस होता है, मतलब निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है, केवल इसकी इसी का सदस्य, केवल इसी का सदस्य क्या बन सकता है, पीएम बन सकता है। इसी निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है, इसी निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। वहां पर हाउस ऑफ, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। ओके, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन का जो सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ओके, और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, लॉर्ड होता है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखने का प्रयास करते हैं, एक शक्ति बची है वो भी आपको बता देते हैं, 8वें नंबर की। तो जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है वो विदेश में भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर विदेश में रिप्रेजेंटेटिव करने की बात है, तो विदेशों में भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी जैसे कोई भी समिट होता है, कुछ भी होता है, तो वहां पर स्पीच देना होता है, सम्मेलन करना होता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री जाकर के करते हैं। आपने देखा रामनाथ गोविंद जाकर के किसी G7 में जाकर के भाग ले रहे हैं, G8 में जाकर के भाग ले रहे हैं, या फिर कोई भी सम्मेलन हो रहा है, नहीं देते ना, कौन जाता है, प्रधानमंत्री। लेकिन यूएसए में कौन जाता है, राष्ट्रपति जाते हैं। पहले कौन जाते थे, डोनाल्ड ट्रंप जाते थे। ओके, अब कौन जाते हैं, तो अब आप लोग देख सकते हैं जो बाइडेन जाते हैं। ओके, लेकिन वो क्या है, वो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको देखने को मिलेगी जो जो व्यवस्था है, वहां पर राष्ट्रपति व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय व्यवस्था ली गई है। ओके, तो वहां पर व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में सरकार चलती है, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में सरकार चलती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, वहां पर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री है, जैसे कि हम अभी आपको नियुक्ति के बारे में बता रहे थे, इसी में आपको देखने को मिलेगा वास्तव में कुछ सीमाएं हैं, लेकिन लेकिन वास्तव में या फिर व्यवहार में, वास्तव में या फिर व्यवहार में। ओके, आपको देखने को मिलेगा मंत्री परिषद की नियुक्ति में, मंत्री परिषद की नियुक्ति में प्रधानमंत्री पर, भारत के प्रधानमंत्री पर अनेक सीमाएं हैं,
अनेक सीमाएं हैं। ओके, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि मंत्रिपरिषद के गठन में एक धर्म काफी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। आप लोगों ने देखा होगा व्यवहार में, अगर हम बात करें, वैसे संवैधानिक की बात करें तब इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है, लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करें तो मंत्री परिषद के गठन में आपको देखने को मिलेगा भारत में धर्म काफी महत्वपूर्ण रोल रखता है। धर्म एक बहुत ही प्रमुख कारक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा दूसरी जो चीज है, मतलब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम आगे लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर ही लिखना है। तो देखिए धर्म के आगे हम लिखने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि धर्म आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जाति। तो जाति भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है मंत्रिपरिषद के गठन में, व्यवहार में अगर हम देखें। इसके अलावा दल के अंदर आपको जो आंतरिक समीकरण है वो किस प्रकार का है, दल के अंदर जो आंतरिक समीकरण है वो किस प्रकार का है भाई। ओके, आंतरिक समीकरण का मतलब क्या, गठबंधन की सरकार है। ओके, या फिर आपको पूर्ण बहुमत किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया था तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे जिस व्यक्ति का प्रभाव उसमें होगा तो उस अनुसार भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी जो गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन की जो राजनीति होती है ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि मंत्रिपरिषद है वो किस प्रकार की आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा सभी सभी चीजों के बारे में, शक्तियों के बारे में हम सविस्तार में यहाँ पर बात किए थे। लेकिन अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। मेंस का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो आप लोग कैसे आंसर करेंगे, तो चलिए आप लोग एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए। हम भारत के प्रधानमंत्री के पास में इतनी सारी पावर है तो क्या हम एक हम उसे नियुक्त तानाशाह बोल सकते हैं। तो ये जो अगर स्टेटमेंट आएगा कि हम भारत के प्रधानमंत्री को एक नियुक्त या फिर जनता के द्वारा चुना गया एक तानाशाह बोल सकते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आपसे पूछा जाए, क्या भारत का प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह है, निर्वाचित तानाशाह है। अब देखिए कुछ लोग हैं वो प्रधानमंत्री से थोड़े खपा खपा रहते होंगे, अब वो अपनी पूरी भड़ास निकाल देंगे उसके ऊपर। जब भड़ास निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी और आपके अगर देंगे क्वेश्चन गलत कर देंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए ऐसे स्टेटमेंट, अब इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, तो आपको इस कथन को नहीं मानना है, इस कथन को आपको नहीं मानना है। और नहीं मानना है साथ में आप क्यों नहीं मान रहे हैं इसको तार्किक आधार पर आपको बताना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप बोल सकते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है यहाँ पर, लेकिन हम इसे निर्वाचित तानाशाह नहीं बोल सकते हैं, इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कि भारत में आपको देखने को मिलेगा कि संविधान है तो संविधान के अनुकूल ही चलना पड़ता है, अगर संविधान का कोई भी उल्लंघन करता है तो वहां पर वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसे उसके अंदर में रहते हुए काम करना होगा। तो प्रधानमंत्री है वो भी हमारे संविधान से ऊपर नहीं है, तो प्रधानमंत्री भी संविधान के अंदर रहते हुए कार्य करेगा। तो एक क्या है, उनके ऊपर सीमा लगी हुई है। अगर देखिए किसी के ऊपर सीमा लगा दी जाती है तो वो तानाशाह कैसे हो सकता है। अगर हम आपसे बोले कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते और आप ऐसा काम नहीं कर सकते तो आप तानाशाह हो गए क्या। आप तानाशाह कब होंगे, जब हम बोलेंगे आप ऐसा काम नहीं करो और आप कहेंगे अरे मैं ही ऐसा काम करूंगा, क्यों ना करूं मैं, तब आप तानाशाह होंगे ना। देखिए यहाँ पर एक लिमिटेशन लग गई संविधान। दूसरी लिमिटेशन क्या है, अगर जो प्रधानमंत्री है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण आपको देखने को मिलेगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण आपको देखने को मिलेगा न्यायपालिका उनके द्वारा बनाए गए कानून या फिर उनके द्वारा किए गए कार्यकलाप है उन पर अंकुश लगाती है और लोगों के अधिकारों का संरक्षण करती है। इस कारण प्रधानमंत्री एक तानाशाह, निर्वाचित तानाशाह नहीं हो सकता। ओके, अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो भाई उसे एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारी संस्था है वो उस पर रोक लगाएगी। इसके अलावा
हमारे यहाँ समय समय पर चुनाव होते हैं, तो चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो चुनाव में अगर कोई तानाशाह होगा और किसी किसी व्यक्ति के ऊपर यानी कि भारत के लोगों के ऊपर शोषण करेगा या फिर लोगों को लगेगा ये तानाशाह हो रहा है भाई, तो अगली बार उसको वोट ही नहीं देगी। वोट नहीं देगी तो क्या होगा, वो दोबारा से सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता में नहीं आएगा तो क्या होगा भाई, वो तानाशाह हो ही नहीं सकता। ओके, ये चीज देखने। इसके अलावा हमारे यहाँ आपको एक स्वतंत्र प्रेस व्यवस्था देखने को मिलेगी, भले ही मीडिया इतनी ज्यादा बिक जाती है। आज आपको देखने को मिलेगा, हम बताए भी थे कि पिंक मीडिया के बारे में, पेंगू मीडिया के बारे में, तो बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ क्या है, एक स्वतंत्र प्रेस व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर अंकुश लगाती है, कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकती है जो तानाशाह के रूप में हो। तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ में आप बोल सकते हैं कि इन कारणों की वजह से प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के तानाशाह नहीं हो सकते। इसके अलावा संसद में जो संसद होती है, जो विधायिका होती है, वो भी प्रधानमंत्री के कार्यों पर अंकुश लगाती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूनल है, बहुत सारी चीजें हैं जो अंकुश लगाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं कि कहीं भी पैसा फेंक दी, तो आपने देखा ना कि संसद में रफेल रफेल चिल्लाने लगे, तो बोले रफेल रफेल चिल्लाने लगे यानी कि अगर कहीं पर भी घोटाला होगा वो अपनी मनमानी करेंगे, तो विपक्ष जो होता है वो उनके ऊपर अंकुश लगा करके रखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में कोई कार्य करने के लिए प्रस्ताव पारित करने होते हैं, बहुत सारे सेशन चलते हैं, उन सेशन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है वो जो उनकी मंत्री परिषद है उसको उत्तरदायी बनाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, आपको किस तरह से इसका आंसर लिखना है आपको देखने को मिलेगा। यद्यपि आपको आंसर इस तरह से लिखना है, देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम आपकी तरफ है, तो आपको देखने को मिलेगा, आपको इस तरह से लिखना है। यद्यपि ये हम सिर्फ फॉर्मेटिंग करा रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग के आधार पर ही आपको आंसर लिखना होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री का पद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद है, सबसे शक्तिशाली पद है, लेकिन फिर भी उसे निर्वाचित तानाशाह नहीं कहा जा सकता। उसके ऊपर अनेक सीमाएं हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बताते हैं किस तरह से उनकी शक्तियों के ऊपर अनेक सीमाएं हैं। आपको तार्किक रूप से वर्णन करना है ना, ऐसे थोड़ी ना बोल दिया तो बोल दिया, हम भी क्या तानाशाह हैं भाई, बोल दिया हमने तानाशाह नहीं है तो नहीं है, नहीं भाई हमको कारण भी तो बताने पड़ेंगे, इसके पीछे अपने तर्क भी तो देने होंगे। तो तार्किक रूप से किसी चीज का आंसर करना होता है, ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया तब बोल दिया। ओके, तो नंबर एक आप बता सकते हैं कि भारत में मंत्री परिषद के निर्माण में जो व्यावहारिक कारकों का प्रभाव है, कारकों का प्रभाव है जिस कारण प्रधानमंत्री जिसका मन चाहे उसको लाकर के मंत्री परिषद में नहीं रख देगा, कि लाकर के सिर्फ पुतलों पुतलों को रख दिया, वो जो कह रहा है वही पुतले कर रहे हैं। तो अगर मंत्री परिषद स्ट्रांग होगी तो वो भी तो अपने मत देंगे, तो प्रधानमंत्री अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। यानी कि जब एक समूह मिलकर के शासन करता है, जब एक समूह मिलकर के निर्णय लेता है, तो वो तानाशाह कैसे हो सकता है? तानाशाह है कोई एक व्यक्ति जिससे अगर सारे डिसीजन ले तब वो तानाशाह होगा। तो नंबर एक आपको ये देखने को मिलेगा। नंबर दो, भारत का संविधान। तो भारत में
सर्वोच्च कौन है? हमारा संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं। भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं। जब भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं तो भारत में संविधान के नीचे ही प्रधानमंत्री आएगा, तो उनकी शक्तियों पर अंकुश भी कौन रखेगा? हमारा संविधान रखेगा। जैसे संविधान सोचिए, संविधान में मूल अधिकार दिए रखे हैं, कई व्यक्तियों के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि आज से हम व्यक्तियों को सबको मार देंगे, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे ही आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा तो जो भी वो नियम कानून बनाए होंगे अपनी तानाशाही के रूप में, वो सारे के सारे नियम कर दिए जाएंगे। न्यायपालिका क्या कर देगी? उसको समाप्त कर देगी। किस आधार पर? संविधान के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, इसके आधार पर। ओके, इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायपालिका का होना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री को तानाशाह होने से रोकती है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भारत में एक स्वतंत्र प्रेस की उपस्थिति है, स्वतंत्र प्रेस की उपस्थिति है। तो प्रेस भी कहीं ना कहीं इनकी शक्तियों पर अंकुश लगाती है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि संसदीय लोकतंत्र में, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र को अपनाए जाने के कारण विपक्ष भी प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, या फिर शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए। ओके, इसके अलावा देखने को मिलेगा भारत में एक नियतकालिक चुनावी व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। भारत में एक नियतकालिक चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके कारण नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो अगर आप लोगों का अगर ये छूट भी जाता है, जैसे कि हम पेज आगे कर देते हैं, तो परेशान नहीं होना है। ये जो पीडीएफ है, इसे जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर मैसेज कर दीजिए। वहां पर पहले से ही लिंक दिया रखा होगा, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो कमेंट कर देंगे, आपको एक पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद पूरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। फिर आराम से प्यार से सजा सजा करके आप लोग लिख लेना। ओके, तो हम कहां तक लिखा दिए थे? भारत में नियतकालिक चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके कारण जनमत प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। ओके, या फिर नियंत्रित कर सकती है। ओके, जिस तरह से आप लोग लिखना चाहें, हम आपको एक फॉर्मेट दे देते हैं, इस फॉर्मेट के आधार पर आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और आपको देखने को मिलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में कोई आपको एक कंक्लूजन में देना है, मतलब निष्कर्ष में आप लोगों के लिए देना है, बारे में कोई
निश्चित टिप्पणी करना, निश्चित टिप्पणी करना, टिप्पणी करना कठिन है, क्या है? कठिन है। यद्यपि वह भारत की राजनीति, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री, नहीं व्यवस्था का, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस गलत हो गया, व्यवस्था का सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली शक्तिशाली पद है, फिर भी व्यवहार में प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति की स्थिति अनेक कारकों पर निर्भर करती है, अनेक कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रधानमंत्री की स्थिति को डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कितना पावरफुल होगा? जैसे कि नंबर एक, लोकसभा में, लोकसभा में पार्टी की स्थिति, प्रधानमंत्री की पार्टी जो होगी मतलब दल है, प्रधानमंत्री के दल की स्थिति, दल की स्थिति यानी कि उनकी दल की स्थिति लोकसभा में क्या, अगर लोकसभा में उनके पास बहुमत होगा, अगर पूर्ण बहुमत होगा यानी कि जितनी ज्यादा सीटें होंगी उतनी ज्यादा पावरफुल पार्टी होगी, वो डिसीजन उतने अच्छे से ले पाएगी। ओके, उतने अच्छे, जैसे वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सरकार है तो वो कोई भी हार्ड डिसीजन नहीं लेती है, जैसे 370 हटाना था हटा दिया, और अगर गठबंधन की सरकार होती तो 370 कभी नहीं हटा पाती। ओके, तो हार्ड डिसीजन लेने होते हैं तब हमें एक स्ट्रॉन्ग सरकार की आवश्यकता होती है, पूर्ण बहुमत सरकार की आवश्यकता होती है। गठबंधन की सरकार होती है वो विकास को बाधित करती है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वो कोई भी हार्ड डिसीजन ले सकती है। जैसे कांग्रेस की स्टार्टिंग में आपको सरकार देखने को मिलेगी, जैसे उसे राष्ट्रीयकरण करना होता था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होता था, सरकार के फेवर मतलब लोगों के फेवर में कोई काम करना होता था तो वो इंस्टेंट एक्शन ले लेती थी, क्योंकि पहले कांग्रेस आपको देखने को मिलेगा जब भारत आजाद हुआ उसके बाद बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार रहती थी, उन्हीं का वर्चस्व रहता था, वो कोई भी हार्ड डिसीजन ले लेती थी। लेकिन आप देखेंगे फिर 1980 के दशक से गठबंधन की सरकार की जो राजनीति थी वो प्रारंभ होगी, तो गठबंधन की राजनीति जब प्रारंभ हुई तो 1980 के दशक के बाद कोई भी हार्ड डिसीजन नहीं ले पाया था, सरकारें गिर जाती थी, परियोजनाएं चलती थी, सरकार बदल जाती थी, परियोजनाएं बदल जाती थी, कोई भी हार्ड डिसीजन लेने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी, प्रस्ताव आते थे पारित नहीं हो पाते थे, तो ये बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए गठबंधन की सरकार होती है उसके कुछ फायदे भी होते हैं लेकिन बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए एक तो क्या डिसाइड करता है प्रधानमंत्री की शक्ति किस प्रकार की होगी, कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की जो पार्टी है उसकी स्थिति क्या है, और पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। अगर सोचो लोकसभा में उसकी जो पार्टी है उसका दल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पूर्ण बहुमत है, और उस पार्टी के अंदर अगर प्रधानमंत्री का पद है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा लोकसभा में अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है, और उस पार्टी के अंदर भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा, तो वो कोई भी हार्ड डिसीजन लेते हैं तो वो ले लेते हैं। आज भारत में चुनाव किए जाते हैं तो वो मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, आपको देखने को मिलेगा मेन फेस कौन है वहां पर प्रधानमंत्री। इसीलिए अभी जो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा हार्ड डिसीजन अभी बहुत समय के बाद लिए जा रहे हैं, 1980 के दशक के बाद दो चार जैसे मनमोहन सिंह की सरकार के समय काफी हार्ड डिसीजन लिए गए थे, उसके बाद अब आपको देखने को मिलेंगे काफी हार्ड डिसीजन, उस समय इंदिरा गांधी के समय बहुत हार्ड डिसीजन लिए गए थे, नेहरू जी के काल में बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए गए थे, लेकिन फिर समय हल्के हल्के गठबंधन की राजनीति में हार्ड डिसीजन कम हो गए थे। देखिए दूसरी चीज क्या डिसाइड करती है, कि दल के भीतर प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, प्रधानमंत्री की
स्थिति कैसी है। ओके, और आपको देखने को मिलेगा तीसरा कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। ओके, व्यक्तित्व कैसा है, और प्लस जनता में प्रधानमंत्री की, जनता में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसी है। ओके, लोकप्रियता यानी कि आपको वर्तमान में देखने को मिलेगा मोदी जी की लोकप्रियता आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो ये तीनों चीजें देख अगर हम अभी इंप्लीमेंट करें तो आपको देखने को मिलेगा ये तीनों चीजें मोदी जी के अंदर देखने को। लेकिन अब कुछ लोग देख रहे होंगे जो मोदी जी के अगेंस्ट होंगे, कहेंगे कि सर आप मोदी जी की गा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में हम किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं या फिर जब हम एक ऑफिसर रैंक में आते हैं, ओके, जैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनेंगे, ओके, जब एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तब उस समय आप एक व्यक्ति नहीं है, आप एक पद है। जब आप आईएएस ऑफिसर होंगे, जब उस पद पर होंगे, तब आप एक पद है, आप एक व्यक्ति नहीं है। तो आपके लिए सभी सरकारें क्या होंगी, समान होंगी। जैसे अभी हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी है, तब हम मोदी मोदी जी के बारे में बता रहे हैं। कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, ओके, तो कांग्रेस की अगर सरकार आ जाएगी तो हम कांग्रेस की बातें करेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की बातें नहीं करेंगे। हम एक टीचर हैं, और अगर हम किसी पद पर होते हैं तो हम पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन लेते हैं। और एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव बनेंगे तो आप किसी पार्टी के नीचे काम नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट के नीचे काम करेंगे। तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट होगी उसके अनुसार हमको काम करना होगा, जो वो ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर को हमको फॉलो करना होगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को चुनाव प्रचार में हम प्रचार करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये हम आपको बताएंगे, बस लिखना आप लोगों के लिए है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो गठबंधन की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर, गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा गठबंधन की राजनीति पर प्रधानमंत्री के पद पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों देखना है, दोनों आपको बताना है। प्रधानमंत्री की जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो आपको नकारात्मक कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग सरकार देखने को नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री की शक्तियों में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि गठबंधन के कारण ऐसा क्यों होता है। वैसे तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे, इतनी देर से हम आपको बता रहे थे किन किन कारणों से ऐसा होता है। तो जो जो डिसीजन लेने होंगे, अगर वो गठबंधन की सरकार होगी तो प्रधानमंत्री नहीं ले पाएंगे, भाई कौन लेगा, पूरी आपको जो भी गठबंधन की सरकार होगी वो मिल कर लेगी। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है 250 शब्दों में, 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है और आप लोगों के लिए बताना है कि ऐसा मतलब किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आपको नकारात्मक इसमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन केवल नकारात्मक नहीं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों आप लोगों के लिए बता रहे हैं। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी, आप लोग इस पर अपना व्यू दीजिए। इसको लिखने के लिए कैसे आपको लिखना है, तो आपको बताना है सबसे पहले इनकी जो स्थिति है वो कम मतलब थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा कि सकारात्मक, सकारात्मक। ओके, तो सकारात्मक है तो आपको तर्क के अनुसार बताना है, और आपको नकारात्मक ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब इनकी स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। ओके, नकारात्मक। ओके, तो नकारात्मक भी क्यों होती है वो तर्क के अनुसार बताना है, और फिर आपको बताना है अपना मत, अपना मत, या फिर आप बोल सकते हैं इसको निष्कर्ष। ओके, ये चीज आपको तीन पार्ट्स में इसमें डिवाइड करके लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो जैसे 50 शब्द, 50 शब्द इस टॉपिक के ऊपर लिख देंगे, और लगभग में 100 वर्ड हैं, मतलब 100 शब्द हैं, वो आप इस टॉपिक के ऊपर लिख देंगे, और जो शेष बचते हैं आपके पास में वो निष्कर्ष में आप लिख देंगे, मतलब लगभग में 50 से 80 वर्ड। ओके, 50 से 80 शब्द हैं वो आप इधर लिख देंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग में
250 शब्द हो जाएगा ये मिला जुला करके आप लोग देखेंगे। ओके तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना आंसर कर देंगे, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों के लिए बता देते हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से आपकी क्लासेस कराई जाती हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ 99 रुपए प्रति मंथ की दर से आपको लाइव क्लासेस ऐसे भी सब कुछ आपको दिया जाता है। एक हमारा नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है अचीवर बैच, इसमें अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, अभी हम ज्योग्राफी से स्टार्ट किए हैं, और अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में जियो मॉर्फोलॉजी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, फिर से आप इसी अचीवर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8193882। इस बैच के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ A to Z आपको दिया जाता है, और आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो देखिए हमारी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी क्लब आई असिस्टेंट, इसको जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। और ये वाला आपको बैच देखने को मिलेगा, ये ओल्ड बैच है, ये वाला सेकंड फाउंडेशन बैच ये ओल्ड बैच है, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 2022 PT दे रहे हैं, 2022 PT दे रहे हैं, तो आप लोग इसमें एडिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास की प्रीवियस जितनी भी क्लासेस ली वो सब रिकॉर्डेड क्लास की आपको मिल जाएगी, तो आप लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी आप लोग एक साल के बाद पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस अचीवर बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और सिर्फ आप लोग 99 रुपए प्रति मंथ में आप लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जाइए, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट में 99 रुपए प्रति माह में आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर वन टाइम पेमेंट करेंगे तो सिर्फ 999 रुपए में यहाँ पर आपको लगभग में 1300 रुपए का कूपन कोड मिल जाएगा। वन टाइम कूपन कोड वहां पर जाइए अप्लाई करिए, 1300 रुपए इंस्टेंट ऑफ हो जाएगा आपका, और सिर्फ 999 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स है जो आपको 1.5 साल तक लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाकर के आप लोग इनरोल हो जाइए, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए एक रामबाड़ है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है ना, कई बार ठीक से डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोई कर सके। और जो ये प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से चल रहा है कि आप उसी टाइम पीरियड में सब कुछ कवर कराया जाएगा, लाइव क्लासेस भी आपको दी जाती है। तो आप लोग अगर खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमें किस अप्रोच में पढ़ना चाहिए, आंसर राइटिंग भी करा देते हैं, सब कुछ हम लोगों के करा देते हैं। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है संविधान वाला वो आपके लिए मिल जाएगा, कल परसों में अपलोड कर दिया जाएगा, जब भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला करेगा हम अपलोड कर दिया करेंगे, और पूरी पॉलिटी रिकॉर्डेड क्लास के रूप में ही यहाँ पर कवर करा दी जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सपोर्ट करते रहें, जिससे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह से हम बहुत कुछ लाते रहेंगे। ओके चलिए इस वीडियो को यहाँ पर